चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें, जैसे लिखा हुआ है साइन, इसके एंगल में कौन है ए, फिर क्या लिखा है साइन ए प्लस वन डी, फिर साइन ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते। अच्छा ए पी का ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस वन डी है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है, तो लास्ट वाला टर्म क्या होता है एनथ वाला ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या ये साइन के एंगल में गया। इसका मतलब ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, एन टर्म्स लिखे हुए हैं, इनका जो सम है वो क्या लिखा हुआ है साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है साइन टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाय टू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये लिखा हुआ है साइन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस बाय टू, साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू, और इस जगह पर आपका ये जो लिखा हुआ है साइन के अंदर, साइन के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन जो टर्म है, इसमें टी वन और टी एन क्या होगा वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू, जिसमें टी वन का मतलब हो गया इस ए पी का जो एंगल में ए पी का फर्स्ट टर्म, और टी एन का मतलब हो गया ए पी का लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी। आप इनको ऐड करके देखो ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या ये ऊपर लिखा हुआ है अपॉन में कितना लिखा टू, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू, ऐसे भी याद रखते हैं हम लोग। अच्छा जैसे ये साइन की सीरीज है बिल्कुल सेम आपकी कॉस की भी सीरीज होती है, जैसे ये लिखा है कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस वन डी प्लस कॉस ए प्लस टू डी, और ऐसे करते करते आपका जाएगा कॉस कॉस ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस वाले केस में जो इसका रिजल्ट आएगा बिल्कुल सेम पैटर्न पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर साइन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस बाय टू, साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू, और यहाँ पर कॉस आ जाएगा, और कॉस के अंदर आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी अपॉन कितना हो जाएगा टू, मतलब सेम पैटर्न पर आपका है, बस इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर क्या था साइन, ठीक है साइन के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बाय टू है, यहाँ पर बस साइन की जगह क्या है कॉस। तो जो साइन की सीरीज और कोसाइन की सीरीज है उनका लगभग सेम फॉर्मूला है, क्लियर है। तो हम लोग इसमें से किसी एक को डिराइव कर लेते हैं, या तो साइन को डिराइव कर लें या कोसाइन को, पैटर्न क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग इसको पहले नोट कर लो, हम लोग साइन वाली सीरीज को हम लोग डिराइव कर लेते हैं, इसको नोट करें सभी लोग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिखा साइन एन डी बाय टू अपॉन में साइन डी बाय टू, साइन डी बाय टू, और इसके अंदर कॉस के अंदर आ गया फर्स्ट टर्म प्लस एनथ टर्म बाय टू, ऐसा हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस एनथ टर्म बाय टू हो जाएगा। नोट हो गया सभी का, चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे क्या इसको प्रूफ करना है, इस वाले को, इस रिजल्ट को हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लेते भाई इसका हमें सम निकालना है, तो हमने यहां पर मान लिया कि इसका जो सम है वो कितना है s है, सम कितना है s है, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है साइन ए, उसके आगे क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस वन डी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस टू डी, साइन ए प्लस टू डी, और ऐसे करते 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 आपका जो लास्ट में रिजल्ट
टर्म लिखा हुआ है साइन ए प्लस एन माइनस वन डी, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब इसका हम लोगों को कुछ सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। अब ये इसका सम कैसे निकल के आ सकता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर सम में देखें तो कुछ ऐसा साइन डी बाई टू टाइप का दिख रहा है हमें, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर बोथ साइड हम लोग टू टाइम्स साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन डी बाई टू से हमने मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी मल्टीप्लाई किया और उस साइड भी। अच्छा, बोथ साइड हम लोग टू टाइम्स साइन डी बाई टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये टू साइन डी बाई टू, साइन ए हो जाएगा। उसके आगे वाले टर्म यहाँ पर देखें, टू टाइम्स साइन डी बाई टू, साइन ए प्लस वन डी हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका टू टाइम्स साइन डी बाई टू, साइन ए प्लस टू डी हो जाएगा। और आगे यदि हम लोग चलें तो डैश 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 टू टाइम्स साइन डी बाई टू, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस एन माइनस वन डी, हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ये हमने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या होता है? जब भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके जो टर्म्स हैं वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएं, एज अ डिफरेंस। यदि दो टर्म्स एज अ डिफरेंस मिल जाते हैं तो उस सीरीज का हम लोग सम इजीली कर पाते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने देखा होगा, जैसे वन अपॉन अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए टू प्लस अंडर रूट ए थ्री, तो उसमें क्या करते थे, ऊपर नीचे कॉमन मतलब रूट ए टू माइनस रूट ए वन से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसमें स्प्लिट कर लेते थे। टर्म्स डिफरेंस में क्रिएट हो जाते थे, फिर सब कटते चले जाते थे। तो ऐसे कुछ हम लोग यहाँ टर्म्स को डिफरेंस के टर्म में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब एक काम करते, जैसे हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें। यदि इसको हम लोग ऑब्जर्व करके देखें, लिखा हुआ है टू साइन d बाई टू साइन ए लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखें क्या इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, टू साइन ए साइन बी, का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टू साइन ए साइन बी, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, मतलब a माइनस डी बाई टू माइनस का cos ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस डी बाई टू। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी इस टर्म को हमने एज अ डिफरेंस हम लोगों ने नोट कर लिया। सिमिलरली इसका सेकेंड वाला टर्म हम लोग पिक करते हैं, टू साइन डी बाई टू और आगे लिखा हुआ है साइन ए प्लस वन डी। यदि इसको हम लोग इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएं, टू साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा, क्या a प्लस डी बाई टू बचेगा, माइनस का cos a प्लस बी। तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d बाई टू हो जाएगा, ऐसे जस्ट हम लोग आगे वाले टर्म लेते हैं, टू साइन d बाई टू इंटू साइन a प्लस 2d कर दें यदि हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, cos लगेगा, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग क्या बनेगा, a प्लस 3d बाई टू बन जाएगा क्या, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो cos कितना बनेगा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d बाई टू। ऐसे करते करते हमारा एक लास्ट टर्म भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएगा। लास्ट टर्म कितना आएगा, 2 साइन d बाई टू और साथ में क्या लिखा, साइन के अंदर a प्लस एन माइनस वन डी, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? इसमें भी हम लोग अप्लाई करके देखें तो 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a माइनस बी, इससे ये जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस कितना बचेगा, आप देखें ये इससे ये गया तो a तो अलग हो गया, n माइनस वन डी बाई डी से कितना चला जाएगा, डी बाई टू चला जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखें ये एन डी बचेगा और माइनस का डी और माइनस डी बाई टू, मतलब एन डी माइनस थ्री
डी बाय टू क्या ऐसा आ रहा है? एक बार ऑब्जर्व करके देख लो, ये चीज बन रही है। इसका मतलब यहां पर हमारा क्या बन गया, ये बन जाएगा एन डी माइनस का 3d बाई 2, क्या इस तरीके का कुछ आ जाएगा। और माइनस करके हम लोग देखें तो कॉस, कॉस क्या बनेगा आपका, इन दोनों का सम। तो a लिखोगे, a लिख दोगे और इन दोनों का ये हम लोग सम करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करके देखें तो ये क्या nd d बाई 2 बचेगा, माइनस का बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा d कॉमन ले ले तो n माइनस 1 बाय 2 d बचेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, nd माइनस d बाय 2, nd माइनस d बाय 2, तो a प्लस nd माइनस d बाय 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें। अब करना क्या है, इन सभी टर्म्स का हमें क्या करना है, सम करना है। तो इन सभी टर्म्स को हमने क्या कर दिया, इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे, जैसे ही इनका सबका दो, आप यहां पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स साइन डी बाई 2 साइन ए, फिर ये मिलेगा, फिर ये, इन सबका जो सम है, इन सभी का जो सम है, क्या वो इतना लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग इस जगह पर? इसको हम लोग यदि इधर लेफ्ट हैंड वालों को ऐड करेंगे तो 2 साइन कितना हो जाएगा, डी बाई 2 इंटू एस हो जाएगा क्या, ठीक है। अरे इधर वालों का सम, ये चीज बन रही कि नहीं, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इधर वालों का यदि हम लोग सम करके देखें तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे यहां वाला कट जाएगा, यहां वाला इससे कट जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, इस जगह पर बचा कितना, कॉस ए माइनस डी बाय 2 बचा, और माइनस का कॉस ए प्लस एन डी माइनस डी बाय 2 ऐसा बचा क्या। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यदि हमें एस की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की, तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन 2, 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इनका इनका सम किया, इनका इनका सम करेंगे तो ए प्लस ए 2a, अरे ये बनेगा a प्लस ए, सी प्लस डी बाई 2 करना है, a प्लस ए 2a, और इनका इनका सम करेंगे तो ये बनेगा nd, और ये कितना बन जाएगा, माइनस डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 माइनस डी, ऐसा बनेगा। और इसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, तो ये बचेगा कितना, a प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2 ऐसा कुछ कुछ बचेगा। तो ये बचेगा 2 टाइम्स क्या बचेगा, a प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2 ये आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन डी माइनस सी बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे साइन डी माइनस सी, इससे ये जाएगा, तो a प्लस एन डी माइनस डी बाई 2 से माइनस हो जाएगा a माइनस डी बाई 2, a से a कट जाएगा, माइनस कुछ गलत, एनीवन, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा एनडी, और बाई क्या कर देंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा एनडी बाई 2, ये बात समझ में आ रही है। और अपॉन में कितना आ चुका था, ये 2 साइन डी बाई 2, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो यहां से देखें 2 से 2 कट गया, तो जो एस निकल के आया वो कितना आ रहा है, साइन एनडी एनडी बाई 2, और ये साइन डी बाई 2 नीचे रह गया, साइन डी बाई 2, और इस जगह पर क्या बच रहा है, साइन इसके अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2। आप यहाँ 2 एलसीएम ले लोगे, यही चीज बच जाएगी। अरे 2 से 2 कट करिए, तो ए बचा ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2, क्या यही सेम चीज लिखी हुई है, तो इसको स्पीड में नोट कर लें। अब जैसे हम लोगों ने ये साइन की सीरीज का सम निकाला है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमें कोसाइन की भी सीरीज का सम करना है, ये आपका होमवर्क है ना।
स्पीड में थोड़ा सा नोट करें। नोट हो गया सभी का? जिनकी स्पीड कम है वो फोटो खींच लो, इसकी स्पीड में नोट कर ले। जो नहीं लिख पाए हैं फोटो खींच लो बेटा इसकी। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, जैसे साइन की सीरीज होगी, किसकी सीरीज होगी? साइन की। तो सम क्या लिखोगे? सबसे पहले साइन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे इसके अंदर? एन, और फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस बाय टू, अरे डी बाय टू, जो एपी रहा होगा ना उसका कॉमन डिफरेंस बाय टू। अपॉन में साइन के अंदर क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंस बाय टू, ऐसा लिखोगे, बोलो बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? साइन, उस एपी का फर्स्ट टर्म, जो एंगल्स वाली एपी है ना, प्लस उस एपी का एनथ टर्म अपॉन में टू, क्या ये सम हो जाएगा? ये साइन वाली सीरीज का सम है। ये तो ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। हमें सीरीज दिख रही होगी, सीधे उस एंगल के कॉमन डिफरेंस देखेंगे, इधर पटक देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे, और यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई टू कर देंगे। नहीं तो उसमें क्या लिखा था? टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाय टू करके लिखा था। उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये याद करना ज्यादा आसान है कि एंगल का फर्स्ट टर्म एंगल्स वाला लास्ट टर्म अपॉन क्या कर दीजिए? टू कर दीजिए। यदि कॉस वाली सीरीज होती तो कॉस वाली सीरीज में क्या हो जाता? इस जगह पर क्या आ जाता? कॉस आ जाता, और कोई भी चेंज नहीं है। तो इस साइन की सीरीज और कॉस की सीरीज पर बेस्ड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कॉस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 3 पाई बाय 11 प्लस कॉस 5 पाई बाय 11 प्लस कॉस 7 पाई बाय 11 प्लस कॉस 9 पाई बाय 11, इसका सम फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका सम फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार कोशिश करें, फॉर्मूला आपको पता है। अपने से ट्राई करने की कोशिश करें। अच्छा ये बताओ बेटा, इसमें
कितने एंगल्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 5. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, आप ऐसे बोल सकते हैं 5 हो गए, ठीक है. अच्छा, ये क्या टर्म्स आपके जो हैं, एंगल्स जो भी हैं, जो भी एंगल्स हैं, क्या एपी में है? पक्का? तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा? कॉमन डिफरेंस कितने का है एंगल्स में? 2π/11 का है. क्या कॉमन डिफरेंस पता चल गया? अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है कितना है? π/11. और लास्ट वाला जो टर्म है t5, अरे 5 टर्म्स है तो t5 हो गए. यहां पर फिफ्थ टर्म, लास्ट वाला टर्म कितना बेटा? 9π/11 है. सारी चीजें पता चल गई. तो हमारा जो सम होगा, जो इसका सम होगा वो कितना होगा? साइन एनडी. नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 5. कॉमन डिफरेंस कितना? 2π/11. 2π/11. और इसको किससे डिवाइड कर देना है? एन डी बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है, अपॉन में साइन. कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस बाय 2 करोगे तो 2π/11 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अरे बोलो भाई. और फिर आगे क्या लिखोगे? साइन के अंदर फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है? π/11. लास्ट वाला कितना है? अच्छा हाँ, ये कॉस वाली सीरीज है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा. लास्ट वाला एंगल कितना है? 9π/11 है. और अपॉन में कितना हो जाएगा? क्या 2 हो जाएगा? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें. साइन 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? साइन 5π/11 बचेगा. और नीचे क्या बचेगा? साइन 11π/11 बचेगा. क्या? अच्छा, इस जगह पर हम लोग देखें तो यहां पर कॉस क्या बचेगा? 5π/11. क्या ये बच जाएगा? पक्का? और बाय 2 भी कर दिया, ठीक है, इतना आ गया. अब इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें? मल्टीप्लाई 2 साइन पाई बाय 11, 5π/11, कॉस 5π/11, कॉस 5π/11, और अपॉन में हम लोग देखें तो साइन पाई बाय 11 हो जाएगा. अच्छा, अब आगे देखें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, मतलब ये बन जाएगा 10π/11 बन जाएगा. और अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई 11. अब ये हम लोग नीचे, हाँ नीचे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड. ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज और ऑब्जर्व करो. इस वाले को यदि हम लोग लिखना चाहें, ऊपर वाले को, क्या साइन पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकते हैं? और नीचे क्या लिखा है? 2 साइन पाई बाई 11 लिखा हुआ है. और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये 1/2 अलग किया तो साइन पाई बाई 11 हो गया. और नीचे भी क्या हो गया? साइन पाई बाई 11 हो गया. तो ये दोनों आपस में कैंसिल वैंसिल हो करके कितनी वैल्यू दे देंगे? 1/2. तो इस सीरीज का जो सम आ जाएगा दैट इज 1/2. अच्छा, कैसे सीरीज का सम निकाला? हमने कॉस के एंगल्स देखे किस में थे? एपी में. तो यदि कॉस के एंगल्स एपी में है तो सम का फॉर्मूला पता है क्या होगा? साइन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2. कॉस के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, बस खत्म हो गया, ये सम आ गया, ठीक है. डेराइव करना था तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं, है ना. नोट कर लें इसको. स्पीड में नोट करें.
देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 12th में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो जितना भी है कॉन्सेप्ट सारे हम लोगों को इधर कवर करने, हाँ ये प्रैक्टिस हम लोगों को करनी पड़ेगी और उधर 12th में भी इसकी, ठीक है? क्योंकि जैसे हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में देखें तो बहुत मिक्सिंग है दूसरे चैप्टर्स के साथ, तो नहीं कर सकते अभी उसको सॉल्व। फर्स्ट एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो अभी जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और चैप्टर्स में बहुत मिक्सिंग है तो करना मुश्किल है, एकदम से तो नॉलेज नहीं है, है ना? तो धीरे धीरे चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के जितने वो सारे कवर होने चाहिए, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना छूटा हुआ था जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है? नोट हो गया सभी का? चलिए एक और हम लोग लेते हैं। लिख गया सभी का? एक क्वेश्चन और है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू बतानी है सिग्मा कॉस एन डिग्री, एन की वैल्यू 1 से लेकर के 44 तक है, और अपॉन में सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेकर के 44 तक है, और यहाँ पर लिखा साइन एन डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। चलिए किससे किससे हो गया? एनीवन? हाँ वैल्यू। हाँ एनीवन। चलिए जिनको नहीं आ रहा अप्रोच वो देखें। सबसे पहले एन की वैल्यू 1, सिग्मा का मतलब सम करना होता है, एन की जगह 1 रखा तो ये बना कॉस 1 डिग्री, सिग्मा का मतलब प्लस करना, फिर एन की जगह 2 रखा कॉस 2 डिग्री, फिर प्लस किया एन की जगह 3 रखा कॉस 3 डिग्री, और ऐसे करते करते सम करना है, लास्ट में क्या है कॉस और एंगल में कितना है 44 डिग्री, और अपॉन में यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री और डैश 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 साइन 44 डिग्री, साइन 44 डिग्री। अच्छा आप ये ऑब्जर्व करो, क्या ये एंगल्स एपी में है? 1 2 3 सब एपी में नंबर्स हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइन साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 44 नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का, कॉमन डिफरेंस बाय 2, क्लियर है? अपॉन में साइन साइन कितना हो जाएगा? साइन कितना हो जाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस बाय 2, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? किसी को डाउट? अच्छा आगे फिर क्या लिखोगे? कॉस
कॉस क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, क्या ये हो जाएगा? अच्छा, अब इसके अपॉन में, क्योंकि रेशियो निकालना था, ये तो ऊपर वाली सीरीज का सम निकाला, अब साइन वाली सीरीज का सम एंगल्स एपी में है तो क्या हो जाएगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 44, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस बाय 2 हो गया, साइन कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस को 2 से डिवाइड किया और ये साइन की सीरीज बन जाएगी, साइन क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे, कॉस ये कितना 45/2, ये कितना 45/2, कॉस 45/2 अपॉन साइन 45/2 मतलब कितना कॉट 45/2, क्या ऐसा एंगल आ जाएगा, कॉट 22.5 डिग्री, टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, टेन 45/2 की वैल्यू, अरे बोली बताई थी ना पाई बाई 8, टेन पाई बाई 8 बताया था मैंने, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, तो उसकी वैल्यू से हम लोग इस उसका क्या कर दें रेसिप्रोकल, तो आई थिंक ये √2+1 निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो इवेल्युएट करके देख लो, एक बार करके देखो, टेन 45 वाली वैल्यू का क्या है रेसिप्रोकल है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे आई थिंक √2+1 आएगा। अरे बोलो भाई, नोट कर ले इसको, कई सारे कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अच्छा, जो हम लोगों ने अभी सीरीज सीखी वो कौन सी सीरीज थी, कॉस की सीरीज और साइन की सीरीज, बट इनमें जो एंगल्स थे वो एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आपके किस में है एपी में है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, नोट कर ले इसको। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन टर्म्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है। अब दो कोसाइन टर्म्स का प्रोडक्ट में, जैसे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कॉस थीटा इनटू मल्टीप्लाई करना है कॉस 2 थीटा इनटू कॉस 2 की पावर 2 थीटा इनटू मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 की पावर n-1 थीटा। आप इसमें ये ऑब्जर्व करें, क्या एंगल्स हमारे जीपी में है, एंगल्स इन जीपी। तो हम लोग जो प्रोडक्ट करने वाले हैं कोसाइन वाली सीरीज का, कोसाइन के टर्म्स है, कॉस के टर्म्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इनके जो एंगल्स हैं वो किस में है जीपी में, इनका जो सम आएगा, ठीक है, इनका यदि सम निकालने की यदि हम लोग कोशिश करें, ठीक है, ये आपका आएगा साइन 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। इसको नोट कर ले, फिर इसको प्रूफ करते हैं, इसको नोट करें। साइन के अंदर 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। अब इसको मैंने थोड़ा ऐसे याद रखा है, रिजल्ट साइन के अंदर कौन है 2 की पावर n और कौन है थीटा,
तो नीचे भी दो, 2n नंबर के जैसा है और थीटा है तो साइन के अंदर चला जाएगा। मतलब जो यहाँ एंगल में वही चीज नीचे लिखी, 2n नंबर टाइप का था, बाहर लिख दिया थीटा को साइन के अंदर। थोड़ा याद करने का बस मैंने तरीका बना रखा है कि इस सीरीज का जो सम होता है कॉस के टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, बट एंगल्स जीपी में हो, इनका जो सम, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, साइन 2n इंटू थीटा और अपॉन में 2n साइन थीटा। अब ये कैसे प्रूफ हुआ उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, 2sin थीटा से मल्टीप्लाई किया और 2sin थीटा से डिवाइड कर दिया। जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड, कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा है, कॉस थीटा, फिर क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा, फिर क्या लिखा है, कॉस 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे करते करते क्या लिखा है, कॉस 2n-1 थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, आप देखें सीरीज कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये पूरी सीरीज लिखी हुई है, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड। अब इसमें होगा क्या, इस जगह पर ऑब्जर्व करो, ये चीज क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, साइन साइन 2 थीटा बन जाएगी। आगे क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा, आगे क्या लिखा है, कॉस 2 की पावर 2 थीटा, डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, कॉस 2n-1 थीटा और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, पहले से 2sin थीटा लिखा हुआ है। बोलो बेटा, अब एक काम करते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। तो अब इस जगह पर ऑब्जर्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 की पावर 2 थीटा, आगे क्या लिखा है, cos 2 की पावर 2 थीटा और ऐसे होते होते cos 2n-1 थीटा और अपॉन में आपका क्या आ चुका है, 2 की पावर 2 sin थीटा। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे होंगे, आपने जब cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट यहां क्या आ गया, sin 2 थीटा। जब आपने cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, sin 2 स्क्वायर थीटा, मतलब एक पावर आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब हम यहां तक जाएंगे तो ये रिजल्ट आपका, ऐसे स्टेप्स बहुत सारे करने पड़ जाएंगे। तो यहां जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में इसमें अंदर एक पावर बढ़ जाएगी। अरे बोलो बेटा, और एक चीज और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, हमने 2 थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस 2 थीटा को, जब यहाँ 2 स्क्वायर था। अरे बोलो बेटा, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर 2 है। जैसे हम इस वाले 2 की पावर 2 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 की पावर सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आगे एक बार 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर से करेंगे तो ये यहां पर जैसे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो एक पावर बढ़ के मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है, 2 की पावर n और साथ में कितना आ रहा है बेटा, थीटा। तो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, नोट कर लें इसको, आप स्टेप वाइज पूरा करते चले जाओ। तो ये सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 की पावर 2 थीटा, ठीक है, और ऐसे करते करते कॉस 2n-1 थीटा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन के अंदर 2n इंटू थीटा अंदर होता है, अपॉन में 2n बाहर साइन थीटा होता है। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस सीरीज का सम आपको याद होना चाहिए,
चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग पिक करें, तो आपको वैल्यू बतानी है कॉस पाई अपॉन 15, कॉस पाई अपॉन 15, कॉस 2π/15, कॉस 2π/15, कॉस 3π/15, कॉस 3π/15, कॉस 4π/15, कॉस 4π/15, कॉस 5π/15, कॉस 6π/15, कॉस 7π/15। आपको इस सीरीज इन टर्म्स का, सभी टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। चलिए करें इसको स्पीड में। ओके अच्छा एक चीज ये ऑब्जर्व करो, मान लीजिए हमने इसको पाई बाय 15 को थीटा लिख दिया, ठीक है, तो यहां पर आप ये ऑब्जर्व करो, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, बोलो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा, आगे कॉस 5 थीटा, कॉस 6 थीटा, कॉस 7 थीटा, ऐसा हो जाएगा। क्या ये एंगल्स जीपी में है, एंगल जीपी में, एंगल जीपी में नहीं है, मतलब यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब एक काम कर सकते हैं, कॉस थीटा को उठाया, कॉस 2 थीटा को उठाया, कॉस 2 की पावर 2 थीटा को उठाया, आप देखें ये टर्म्स उठा लें, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, ये उठाया कॉस 4 थीटा, ये उठा लिया, ठीक है। अब एक काम किया, अब बचा कौन कौन, 3 थीटा, और कौन बचा, 5 थीटा और 7 थीटा, तो ये बच रहा है कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, और कुछ बच रहा है, कॉस 6 थीटा बच रहा है। यार ये जो कॉस 7 थीटा है, यदि इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, यहां पर देख लेते हैं, कॉस 7 थीटा की जगह क्या है, पाई अपॉन 15, क्या इसको हम लोग कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 15 लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, से कितना, 8π/15 ऐसा लिखा जा सकता है क्या, आप सिंप्लीफाई करें, 15 से 8 पाई जाएगा, 7 पाई बाई कितना लिखा हुआ है, 15, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस का cos 8 पाई बाई 15 हो जाएगा क्या, बोलो बेटा, इसका मतलब है ये जो 7 थीटा वाला है, इसको हम लोग माइनस का cos, माइनस का क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos 8 थीटा लिख सकते हैं, तो इसमें माइनस साइन हम आगे भेज दें, माइनस साइन आगे भेज दें, और ये क्या हो गया, कॉस 8 थीटा, इनको बाद में ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखो ये कॉस थीटा, कॉस 2 की पावर 1 थीटा, कॉस 2 की पावर 2 थीटा, कॉस 2 की पावर 3 थीटा, कितने टर्म्स हैं इसमें, 4,
तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा साइन टू की पावर कितना, फोर हो जाएगा। अरे जितने टर्म्स होते हैं ना उतना पावर में जाता है, ये चार टर्म का प्रोडक्ट है, और इनटू में क्या करोगे थीटा, और अपॉन में क्या जाएगा टू की पावर फोर साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा अब इस साइड ऑब्जर्व करें, यदि इसको हम लोग देखें इसकी वैल्यू पता है 5 थीटा बाई 15 की, ये कितना लिखा है π/3, π/3 मतलब 60, cos 60 1/2, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1/2, ये अलग हो गया, और बचा कितना, ये बचा cos 3 थीटा को मैं अल्फा मान लेता हूँ, 3 थीटा को क्या मान लेता हूँ अल्फा, ठीक है? तो ये cos अल्फा बचा, तो आगे वाला क्या बचा cos 2 अल्फा बचा। तो इसको अगेन थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस का साइन 2 की पावर 4 थीटा अपॉन 2 की पावर 4, 2 मिलकर के 2 की पावर 5 साइन थीटा, और ये हमारा यहां फॉर्मूला लग जाएगा। कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है, दो टर्म्स का, तो इसको क्या लिखेंगे साइन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और क्या लिखेंगे अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और साइन अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अल्फा की जगह क्या रख देंगे 3 थीटा, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, माइनस लगा हुआ है पहले से, माइनस लगा हुआ है साइन 2 की पावर 4 मतलब 16, थीटा की वैल्यू कितनी 16 पाई बाय 15 हो गया क्या, और अपॉन में 2 की पावर 5 मतलब ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 मिल करके कितना 2 की पावर 7 लिख दें सीधे 2 की पावर 7, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को साइन पाई अपॉन 15, क्लियर है? अच्छा अब यहां पर देखो, साइन के अंदर 2 की पावर 2 मतलब 4, अल्फा का मतलब 3 थीटा, 4 इंटू 3 थीटा 12 थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे साइन 12 थीटा की जगह पाई अपॉन 15, और अपॉन में कितना साइन, इस अल्फा की जगह क्या रखोगे 3 पाई अपॉन 15, ये कितना लिखा है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, ये कितना है ये पाई, पाई प्लस पाई बाई मतलब थर्ड क्वार्टर में जाएगा, माइनस का लफड़ा भी खत्म हो जाएगा, माइनस का लफड़ा खत्म हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 15, तो उसमें माइनस का साइन पाई बाई 15 देगा, तो ये कट गया, ये कट गया, और माइनस वाला प्लस भी हो गया, है ना? अच्छा अब ये कितना लिखा है, कितना, इनमें कुछ रिलेशन है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, ये पाई माइनस 3 पाई बाय 15 ये भी कट गया, और पाई माइनस सेकेंड क्वार्टर में सेम हो गया, बचा कितना आपका 1 अपॉन 2 की पावर 7, दिस इज द आंसर। अभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे, इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं सीरीज में, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे इसको हम लोग कंप्लीट